I'm sorry. मुझे लगा कि sorry. अब कहाँ ढूंढू वरुण को, कहाँ होंगे? चले गए थे आप? कहाँ तो था तुमसे, वो चोपड़ा जी के यहाँ पे डिलीवरी देने जानी है, तो बस वहीं पे था. क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं. कुछ तो है वर, अगर आपको नहीं बताना तो मैं पता लगा लूंगी. तो लगा लो. ऐसे बात है जो मैं बताना चाहता हूं. अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो. ने कहा था ना तुम्हारे पास कोई नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो बस यही लेने आया था मार्केट. हाँ, वो मैं सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी वरुण. मैं भी ना पता नहीं क्या क्या. इसे पकड़िए, पकड़िए इसे. आप मुझे माफ करें. आई एम सॉरी. गीता क्या कर रही? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. बस गीता, आप पहले मुझे माफ करें. सब देख रहे हैं. आप मुझे पहले माफ करिए. माफ करती हैं? कर दिया माफ. मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ. आप मेरे लिए गिफ्ट लेने गए, इतनी सुंदर साड़ी लेकर आए, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी. साड़ी बहुत सुंदर है. थैंक यू. दरअसल ना, जब से उन बाबा की बातें सुनी है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है. बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में. यानी कि तुम्हें बाबा की बातें याद है लेकिन मेरी नहीं. मैंने कहा था ना, जब तक हम दोनों साथ हैं कुछ गलत नहीं हो सकता. अब ये ना, तुमने सैंडी को कहीं देखा था? उनके दिल से सैंडी का ख्याल नहीं जाता. हम साथ हो तो भी वो सैंडी के बारे में जरूर सोचते हैं. सिद्धांत सेना, जेल से भले ही तू छूट गया हो लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. तूने मेरी गेंदा पे गोली चलाई थी. तो यह इज्जत मुझे अपने भाई और बाप की वजह से मिल रही है. छोड़िए. नहीं गेंदा, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं. इसने इतने जुल्म किया हमारे परिवार के साथ. वरुण, ये सिद्धांत सिन्हा नहीं है, ये उसका जुड़वा भाई है वेदांत सिन्हा. इसने कुछ नहीं किया. मैं जानता हूं सिद्धांत ने
आप सबके साथ ठीक नहीं किया। और उसका गुस्सा मुझ पे निकालेंगे तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। याद रहे, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, मैं तो बस आपका फोन उठाने आया था, आप वहीं गिर रही थी। वैसे आप दोनों पति पत्नी एकदम एक जैसे, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने किसी के भी गले पड़ जाते हैं। आपका दिन शुभ रहे। निशा, गेंदा, मेहमान आ गए बेटा, चाय नाश्ते की तैयारी करो। आइए आइए आइए, बैठो बेटा, विक्रांत बैठो बैठो। क्या रखते बेटा? आइए आइए, ये मेरा छोटा बेटा वरुण, ये मनीष। बैठे 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 भाई साहब। ये हमारी कुलदेवी के नाम का दुपट्टा है, पंडित जी ने दिया है संध्या के लिए, हमने सोचा हम ही दे के आ जाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी, ये आप ही का घर है, आप जब चाहे आ सकती हैं। वैसे भी मुझे आप दोनों से मिलना था, मैं अभी अभी सुधीर भाई साहब से यही कह रहा था। है? मैं संध्या को बुलाकर लेकर आता। नहीं नहीं भाई साहब, हम उससे नहीं मिल पाएंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ रिवाज है कि हम शादी से पहले अगर बहू से मिल लेते हैं या उसे देख लेते हैं तो बहू को नजर लग जाती है, और हम नहीं चाहते कि हम अपनी बहू को नजर लगाएं। जैसे आपकी मर्जी। हाँ सैंडी, आवाज तो सुनी ली होगी ना तूने, तेरे सास ससुर आए, साथ में वो विक्रांत भी है। पर डोंट वरी, तुझे बाहर नहीं आना है, ऐसा कोई रिवाज है इनका, ऐसा बोल रहा है। यही सही मौका है तेरे प्लान को एक्टिवेट करने का। हाँ मैं स्टार्ट करती हूँ, तू खत्म कर देना। सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है ऐसे। आई मैं साफ करवा देती हूँ, आई बेटा ले जा ले जा। आई आंटी जी, आप इसे साफ कर लीजिए, मैं आपके लिए तौलिया लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। हा? ओके। क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वरुण भैया और सैंडी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या वीडियो मिला आपको? कहां से मिला आपको वीडियो? मैं बोल रही हूँ ना आपसे, वो वीडियो बहुत पुराना होगा, जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ, समझी आप? करते होंगे वरुण भैया अब भी सैंडी से प्यार, और रखते होंगे वरुण भैया अब भी सैंडी का ख्याल। ये सब हमारे घर का मामला है, आप इन सबसे दूर रहिए, समझी? अब देखिए, सैंडी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे वरुण भैया जरूर शादीशुदा है। हा? आप अपनी बकवास बंद कीजिए, फोन रखिए। आप लगा तीर निशाने पे जाके। आंटी जी, ये भाभी, आंटी जी कहाँ हैं? वो तो गई काम से। जी, अब मेरा मतलब है कि उनको कुछ काम आ गया था,
वो काम से गई है। अब चलते हैं। अब चलो बेटा उठो, घर में बहुत काम है। अरे ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? इतनी जल्दी क्या है बहन जी? रुकिए, खाना वाना खा के जाइए, इत्मीनान से बात करते हैं फिर। भाई साहब फिर कभी, अभी तो चलते हैं, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। ये अचानक से मम्मी को क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही है? चलते हैं ना बाबा, वो एक्चुअली घर पे शादी का माहौल है ना, तो लोग आते जाते रहते हैं, तो शायद कोई आ गया होगा, चलते हैं। हाँ ये बात तो है बेटा, हम ना ना हम रुकेंगे नहीं, वाकई शादी का घर है, बहुत सारे काम पड़े होते हैं। ठीक है गुंजन दी। अच्छा भाई साहब चलिए जी, नमस्ते। नमस्कार। अरे पापा ये लोग चले गए? हाँ बेटा उन्हें जाना था, कह रहे हैं शादी का घर है, बहुत सारा काम है, और वाकई सच है बेटा। मुझे ये सब पहले से पता है मम्मी। और फिर भी तो क्या फर्क पड़ता है मम्मी, ये सब पुरानी बातें, लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हमें फर्क पड़ता है विक्रांत। सही बात है, अगर बात पुरानी होती तो फिर भी हम एक बार को सोचते। क्या मतलब? मतलब ये कि वरुण आज भी सैंडी से प्यार करता है, ये मैंने अपने कानों से सुना है बेटा। मुझे संध्या से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे ना उस वरुण पे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तू अगर उससे शादी करना चाहता है ना, मुझसे प्रॉमिस कर बेटा, वरुण संध्या के आसपास भी दिखाई नहीं देगा, वो तेरी शादी में नहीं आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वरुण को मेरी और संध्या की शादी में नहीं आने दूंगा। गीता बेटा एक 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 मिनट, एक मिनट। जी पापा। देखो बेटा, मैंने उस लड़की की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है जो शादी से बचने के लिए घर से भाग चुकी थी, लेकिन आज आज मेरे कहने पर शादी के लिए हाँ कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी इसी घर से हो रही है, तो मैं चाहता हूं शादी की सारी जिम्मेदारियां जो हैं तुम अपने ऊपर ले लो। ना मुझे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, और मैं वादा करती हूँ आपसे सैंडी की शादी में कोई रुकावट और कोई अड़चन नहीं आएगी। जी जी हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फेवर? अरे आप तो ऑर्डर करिए, आखिरकार हमारे घर की बेटी आपके घर की बहू बनने जा रही है। एक्चुअली इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ कहने आया था। कहिए। देखिए मुझे सब कुछ मालूम है और मुझे इससे प्रॉब्लम भी नहीं, वो तो मम्मी पापा को आज पता चला है, वरुण और सैंडी के बीच जो भी, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए उन्हें लगता है कि वरुण आज भी सैंडी से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, वरुण और सैंडी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। देखिए दोस्त ही रहें तो अच्छा है, आप बस इस बात का ख्याल रखें कि वरुण हमारी शादी में ना आए। मैं समझ सकता हूँ आपको ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं, अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो शादी करने से मना कर देते, इसलिए मैंने उनसे प्रॉमिस कर दिया है कि वरुण इस शादी में नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझिए और वरुण को इस शादी में आने से रोक के रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी इसी घर से हो रही है, तो मैं चाहता हूं शादी की सारी जिम्मेदारियां जो हैं तुम अपने ऊपर ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गई, क्या होना, जल्दी आना प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखो ये दोनों तुम्हारी फेवरेट है ना,
चलो जल्दी से सिलेक्ट कर दो कि इन दोनों में से मैं कौन सी पहनूं। ये ग्रेट, मुझे भी यही पसंद आई थी। कितनी खुश है वरुण, लेकिन क्या कहकर रोकूं इन्हें? ऐसा क्या करूं जिससे सैंडी की शादी अच्छे से हो जाए और सबकी बात भी रह जाए? मुझे इन्हें शादी में आने से मना करना ही होगा। वरुण, मेरी एक बात मानेंगे? आप बोलो ना, आज तो कोई बात टाली है तुम्हारी। आप शादी में मत आइए। क्या मतलब शादी में मत आऊं? मेरे कहने का मतलब यह है, हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिलीवरी है। मिसेज आनंद के यहाँ शादी है ना, आप भूल गए? वो रहते भी इतना दूर है, आप जाएंगे जब तक वापस आएंगे डिलीवरी देकर आप मिस कर देंगे शादी। तो ठीक है ना, किसी और को भेज दूंगा। नहीं, मेरा मतलब है वरुण, बहुत भारी सेट है, हम ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं? जाना तो आपको ही पड़ेगा। थोड़ी ना पहली बार कर रहे हैं, कोई और चला जाएगा, टेंशन मत लो। वरुण, मेरी तसल्ली के लिए प्लीज आप चले जाइए, मैं ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। आप जाएंगे ना तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, और फिर मिसेज आनंद हमारी कितनी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है ना। मैं खुद चली जाती लेकिन शादी के इतने काम है और पापा ने भी मुझे इतनी जिम्मेदारियां दी है। प्लीज प्लीज आप चले जाना। सॉरी फरुण, पर सबकी खुशी के लिए मुझे आपको हर्ट करना पड़ रहा है। अगर कल वरुण भैया ही शादी में नहीं आए तो फिर सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वरुण, ये गहने 3 सेट है। वरुण भैया, आप फ्री है क्या? अरे नहीं भी है तो भी हो जाइए, चले मेरे साथ, शादी वाला घर है, बहुत सारे काम है। लेकिन कुछ नहीं, मुझे जरूरत है आपकी। चलिए चलिए। ये लीजिए, अच्छे से लगाइएगा। इधर भी बहुत सारे फूल रखे हैं, वो सब इधर लगाएंगे हम। इधर भी ये माला लगेगी और ये। पापा जी, ये बहुत सारा सामान लाना है, मुझे लगता ही नहीं है कि मनीषी को टाइम मिलेगा, कब से वेट कर रही हूँ। ये जरूरी सामान भी है, मैं वरुण भैया को लिस्ट दे दूंगी, वो सामान ले आएंगे। लिस्ट तो दिखाओ पहले, क्या है लिस्ट में? ये सब कुछ आ चुका है, सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है, चिंता मत करो, है ना? लेकिन कुछ तो नो। हाँ, मुझे माफ कर दीजिएगा वरुण, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर गेंदा को हो क्या क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे जबरदस्ती कहीं भेजना चाह रही है। बस एक ही रिक्वेस्ट है वरुण, शादी से पहले एक बार मिल लो मुझसे। सैंडी क्यों मिलना चाहती है मुझसे? जाकर देखना पड़ेगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊं और मुझे देखकर गेंदा गुस्सा हो जाए। क्या करूं? मैं
पर सैंडी से मिलकर चला जाता हूँ। उसकी बात भी रह जाएगी और गेंदा भी परेशान नहीं होगी।